शांति। आज की तारीख है 3/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा हमें सावधानी बरतते हुए याद दिलाते हैं, मीठे बच्चे शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वो आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। प्रश्न है, अपना खाना आबाद करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है? उत्तर है, शिव बाबा को अपना वारिस बच्चा बना दो तो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। ये एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं। तो फिर आप सभी ने शिव बाबा को अपना बच्चा बना लिया, तो बाबा कहते हैं अभी भी बना लो तो खाना आबाद हो जाएगा। परंतु कई डरते हैं, तो उन डरने वालों में से तो आप नहीं हैं, नहीं, परंतु कई डरते हैं, समझते हैं शायद सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि को संभालो, उनकी पालना करो, परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुमको वो लाल लाल कर देगा अर्थात माला माल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी वो बहुत सेवा करेगा। नहीं चाहिए ऐसा बच्चा? चाहिए ना, जो सेवा भी करे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है, शुभ कार्य में लग जाना है, किसी भी देहधारी की जाल में नहीं फंसना है, सबसे ममत्व निकाल देना है। नंबर दो, ज्ञान की जो रोशनी मिली है वो सबको देनी है, देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है और अंधों की लाठी बनना है। वरदान मीठे मीठे बाप दादा का अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा, आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति में रहने से हरेक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास उमंग और उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।